हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की आई हुई परमानेंट वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, यहाँ नोटिफिकेशन में बताया गया कि क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस रेगुलर पोस्ट, तो यह आप देख सकते हो, आपके सामने नोटिफिकेशन है जो कि रेगुलर पोस्ट के लिए है। और इसमें जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों ही फॉर्मेट की पोस्ट हैं, और हम देखेंगे इस एडवर्टीजमेंट में कि कहाँ से ये एडवर्टीजमेंट आया है और किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट हैं और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीजीटी बायो की पोस्ट है जो कि रेगुलर बेस पे है और इसकी वैकेंसी 1 है। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जो कि 50% मार्क्स के साथ और बायोलॉजी में होनी चाहिए, और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट साथ में मेंशन किए हैं इन्होंने। तो इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा, मास्टर प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया इन्होंने कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली बोला कि एमएस ऑफिस की, और उसके बाद आपको रीड राइटिंग कम्युनिकेशन हिंदी में आना चाहिए आपको, तो सीटेट या एसटेट आपका क्वालिफाई हो, जिसके आपको एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आता हो। तो उसके बाद इन्होंने मेंशन किया पीजीटी इंग्लिश की रेगुलर पोस्ट है और इसकी भी वैकेंसी 1 है। तो इसके लिए भी आपको पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो कि 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और साथ के साथ आपने बीएड किया हो अपना, और डिजायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज हो आपको, और हिंदी में रीड राइटिंग एंड कम्युनिकेट आना चाहिए, और सीटेट और एसटेट में से एक आपका क्वालिफाई हो, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। उसके बाद फिर टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, जो कि 2 पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने 2 वैकेंसीज मेंशन की है। तो इसके लिए आपके पास मास्टर या बैचलर में से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, और जो कि 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपने बीएड किया हुआ हो। और यहाँ पे इन्होंने मांगा कि सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे थे पीजीटी की पोस्ट में, क्योंकि पीजीटी के लिए सीटेट नहीं होता है, तो वहाँ पे इन्होंने एसटेट मांगा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने सीटेट पेपर 2 मांगा हुआ है टीजीटी के लिए। और डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और साथ में हिंदी में रीड राइटिंग एंड कम्युनिकेट आना चाहिए आपको। तो उसके बाद टीजीटी हिंदी और संस्कृत की पोस्ट है, जो कि 2 पोस्ट है यहाँ पे भी। इसके लिए भी आपके पास मास्टर और बैचलर में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, साथ के साथ आपके पास हिंदी में जैसे आपने 50% मार्क्स के साथ अपना क्वालिफाई किया हो डिग्री, और इलेक्टिव सब्जेक्ट बोला इन्होंने यहाँ पे, सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए, तो संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए डिग्री लेवल पे, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और उसके बाद फिर जो बीएड होनी चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और साथ के साथ आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। डिजायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपके इंग्लिश एंड संस्कृत में रीड राइटिंग एंड कम्युनिकेट आना चाहिए आपको। उसके बाद अगर हम देखें आगे, तो टीजीटी साइंस की पोस्ट है, जो कि बायो की पोस्ट है। ऊपर पीजीटी की पोस्ट थी बायो की, नीचे ये टीजीटी की पोस्ट है, और यहाँ पे 2 पोस्ट मेंशन की है। सभी पोस्ट रेगुलर बेस पे आई हुई है, तो सभी साथियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि जो भी फिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मास्टर या बैचलर में से कोई भी एक डिग्री हो, 50% मार्क्स के साथ, बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, और उसके अलावा इन्होंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताया कि बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ऑल 3 सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड, तो तीनों आपने पढ़े हों। और फिर आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए साथ के साथ, और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो आपका। डिजायरेबल में बोला कि कंप्यूटर की नॉलेज हो, एबिलिटी टू रीड कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको टीच करना आता हो। उसके बाद इन्होंने बोला कि टीजीटी साइंस फिजिक्स की पोस्ट है, 1 पोस्ट है इसकी, तो मास्टर और बैचलर में से कोई भी एक डिग्री 50% मार्क्स के साथ, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए आपके पास, और सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज हो, एबिलिटी टू रीड कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको टीच करना आता हो। उसके बाद टीजीटी म्यूजिक की पोस्ट है, जो कि 1 पोस्ट है, डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या इन्होंने बोला कि हायर सेकेंडरी
और उसके साथ के साथ आपके पास म्यूजिक का कोई भी आपका होना चाहिए कोर्स, आपके पास डिप्लोमा या जो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है इंस्टीट्यूट के नाम, तो यहाँ से आपने किया हो, या इसके अलावा इक्विलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास कोई भी। और डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि सीटेट पेपर टू अगर आपने क्वालिफाई किया है तो उसका एडिशनल वेटेज दिया जाएगा आपको। नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, एबिलिटी होनी चाहिए रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको टीच करना आता हो। उसके बाद अगर हम आगे पोस्ट देखें तो TGT फिजिक्स की पोस्ट है, नहीं सॉरी TGT फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है, जो कि एक पोस्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, तो ग्रेजुएशन किया हो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में आपके पास डिप्लोमा हो फिजिकल ट्रेनिंग का तो 50% मार्क्स के साथ, या आपने BPED किया हो तो आप एलिजिबल हैं। एबिलिटी टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में। उसके बाद TGT लाइब्रेरियन की पोस्ट है, जो कि एक पोस्ट है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की हो आपने, और BLIB MLIB में से कोई भी आपने कोर्स किया हो, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास दोनों में से कोई भी आपका क्लास होना चाहिए। डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटी टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद LDC अकाउंट्स की पोस्ट है, जो कि एक पोस्ट है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम मांगा इन्होंने, 12th में आपका कॉमर्स होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, नॉलेज टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और इन्होंने डिजायरेबल में वही बोला कि हिंदी टाइपिंग आती है तो वेटेज दिया जाएगा, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफेशनसी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद LDC एडमिन की पोस्ट है, जो कि रेगुलर दो वैकेंसीज हैं, इसमें भी इन्होंने सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स मांगा, टाइपिंग स्पीड मांगी है 40 वर्ड पर मिनट, और MS ऑफिस आता हो आपको। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने ड्राफ्टिंग टाइपिंग एंड फाइल मेंटेनेंस वर्क आता हो आपको, और आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग की, जिसका आपको वेटेज दिया जाएगा, और आप में एबिलिटी होनी चाहिए रीड राइटिंग कम्युनिकेट इन इंग्लिश में। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि फिजिक्स के लिए है, एक पोस्ट है। BSc सेकेंड डिवीजन से की हो या उसके ऊपर, और 50% मार्क्स इन फिजिक्स होना चाहिए आपका। तो उसके बाद लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि केमिस्ट्री के लिए है, ये भी एक पोस्ट है। यहाँ भी वही बोला इन्होंने, BSc सेकेंड डिवीजन एंड अबो विद 50% इन केमिस्ट्री में होने चाहिए आपके। कंप्यूटर प्रोग्राम कम ऑपरेटर की पोस्ट है, जो कि एक पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और साथ में PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, या BCA MCA, और इसके अलावा कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद PRT की 8 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हो कि PRT की 8 वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, 12th+ डिप्लोमा किया हो आपने, या उसके अलावा आपने 12th+ BLED किया हो, तो जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन प्लस BEd किया तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने CTET या STET का पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, और कैंडिडेट शुद्ध, इन्होंने बोला कि हिंदी इंग्लिश और मैथ में उनको प्रोफेशनसी होनी चाहिए, और कंपिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल होने चाहिए आप पढ़ाने के लिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि एज का क्राइटेरिया, PGT की एज बताई है इन्होंने बिलो 36 ईयर, TGT की बिलो 32 ईयर, PRT की बिलो 30 ईयर, PRT ऑल पोस्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम कम ऑपरेटर की बिलो 30 ईयर, लैब असिस्टेंट की बिलो 27 ईयर, और LDC की बिलो 27 ईयर। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो भी एज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज पर CBSE, DOE और गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, इनके अकॉर्डिंग फुलफ़िल किए जाएंगे, और जो भी आपको छूट दी जाती है, जो भी रिजर्वेशन है, वो इनके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। आगे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कैंडिडेट फाउंड एलिजिबिलिटी इन ऑल रिस्पेक्ट विद ओनली बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट ऑन 20 जैन 24।
तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको 20 जैन 2024 को और 21 जैन 2024 को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे इन्होंने लिखा है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में। यहाँ पे आपका सेंटर होगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट कंडक्ट 2 सेशन में करवाया जाएगा, 9:30 से 11:30। PGT और PRT के लिए है, 12 से 2 बजे। TGT और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। और इन्होंने बोला कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे रिटन टेस्ट के लिए, उनका डिस्प्ले ऑन द स्कूल वेबसाइट 29 दिसंबर को ये डिस्प्ले कर देंगे उनकी लिस्ट, और प्लीज़ रेफर टू द वेन्यू। और साथ में इन्होंने बोला कि कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा आपको रिटन टेस्ट के लिए। और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज डाटा, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन द स्कूल वेबसाइट ऑन 6 फेब 2024। तो जो भी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उनकी लिस्ट 6 फरवरी 2024 को लगा दी जाएगी, और जो रिटन टेस्ट क्लियर करेंगे तो उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, और हम ऊपर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है। ये बताया इन्होंने, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट हैं एट 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। और ये एयरफोर्स स्कूल से आया हुआ है नोटिफिकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की इन्होंने डेट बताई है 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो अभी काफ़ी टाइम है, तो आप फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 15 दिसंबर। तो वेन्यू है सबमिशन का, एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर आपको सबमिशन करना है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। और एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस बताई है इन्होंने कि 300 रुपये है, जो कि DD बनवाना है आपको, और DD के थ्रू आपको पे करना है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगाना है, क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट लगानी है, और डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन लगानी है, BEd लगाना है, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, और CTET पास सर्टिफिकेट लगाना है। एज का इन्होंने कैलकुलेशन बोला है कि 15 दिसंबर 2023 से किया जाएगा, और आगे वही डेट मेंशन की है और टाइमिंग मेंशन की है जो कि हमने आपको बता दिए हैं। तो जो भी साथी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के लिए, तो ज़रूर फॉर्म भरिए, बहुत सुनहरा अवसर है, रेगुलर पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे वही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट में दिए जाते हैं। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।